अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सतरंगी गार्डन में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सबसे पहले मैं उन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और कमेंट्स भी किया। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को विनका प्लांट्स की प्रोपोगेशन बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वैसे भी सदाबहार सेल्फ सीडलिंग प्लांट है, मुझे इसकी सीडलिंग तैयार नहीं करनी पड़ती है। आप लोग देख सकते हैं इसके ये नीचे यहाँ पर ये प्लांट बहुत निकले हुए हैं, ये इस तरीके से। तो यही मैं निकाल कर दूसरी जगह पर लगा देती हूँ। और कल की वीडियो में देखे, येलो लिली नहीं ब्लूमिंग हुई थी, आज ब्लूमिंग हो गई है इसकी। और ये कल वाले आज भी खिल गए हैं, फ्लावर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये दो तीन दिन तक इसका फ्लावर रहता है नरगिस का। और फ्रेंड्स, चलिए मैं अपने ही टॉपिक पर आती हूँ। सबसे अच्छा फ्रेंड्स ये प्लांट है सदाबहार, उसका नाम ही सदाबहार है, तो ये ऑलवेज़ हमें फ्लावर देता रहता है। कोई भी प्लांट किसी भी सीज़न में फ्लावरिंग करे या ना करे, लेकिन सदाबहार कभी हमें मायूस नहीं करता और ये बेचारा हमें हमेशा फ्लावर देता रहता है और गार्डन की रौनक बनाए रखता है। इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत फ्लावरिंग कर रहा है। ये फ्लावर ख़राब हो जाते हैं। और ये गुलपेचक आप देख सकते हैं कितनी फैल रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा था ये क्यारी मेरी खाली थी, यहाँ पर मैंने पहले इसमें सूखी पत्तियाँ सब जमा कर रखी थी। अब इसमें काफ़ी जब ये हो गया तो मैंने इसमें मिट्टी, ये इस तरीके से मिट्टी मैंने, देख ले आप लोग कितनी सॉफ्ट मिट्टी है ये गार्डन सॉइल है और गोबर की खाद इसमें मिक्स की हुई है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी है ये। कोई भी पेड़ लगाएंगे तो बहुत आसानी से उसकी रूट ग्रो होती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से ये आप लोग देख सकते हैं ये मैंने इसी क्यारी से निकाल लिए हैं जी। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, इसको बहुत आहिस्ता से मैंने निकाला कि इसकी रूट इसकी टूटना नहीं चाहिए और कुछ नहीं। देखिए फ्रेंड्स, निकल आया और कुछ नहीं करना पड़ता है। सेल्फ सीडलिंग प्लांट है, इसके सीड भी मुझे लगाना नहीं पड़ते और बस ये मैं इसको अब लगा दूंगी इस तरीके से। कुछ नहीं इसमें मुझे करना पड़ता है और ये क्यारी मेरी फुल हो जाएगी, क्योंकि अभी अधूरी लग रही है। पहले ये क्यारी इतनी ही थी, मैंने इसको और बढ़ा दिया था। मैंने कहा ये जगह फालतू में इधर को पड़ी हुई है तो इससे प्लांट ही लगा दिए जाएं। और जितने अच्छे प्लांट ज़मीन में ग्रो करते हैं इतने फ्रेंड्स प्लांटर में नहीं, लेकिन प्लांटर में हमें तब लगाना है कि जब हमारे पास ग्राउंड ना हो, कोई स्पेस ना हो, तो प्लांटर में तो लगाना ही पड़ते हैं। और प्लांटर में लगाने से फ्रेंड्स मुझे इसका प्लांट का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वाटरिंग का भी, सॉइल का भी और फर्टिलाइज़र का भी। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने ये इस तरीके से ये लगा दिया है। और फ्रेंड्स, आप लोग इसमें भी फ्लावरिंग आप लोग देख सकते हैं मेरे इसमें सदाबहार में।
मैंने कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, सिर्फ जब ग्रो करती हूँ, प्रोपोगेट करती हूँ, तभी मैं गोबर की खाद मिक्स करती हूँ मिट्टी में। आप लोग देख सकते हैं फ्लावरिंग बहुत अच्छी, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं, सिर्फ मिट्टी का ही ध्यान रखना पड़ता है। आज इसमें भी लिली खिल गई है, इस वाले प्लांट में ये येलो, कल एक भी येलो लिली नहीं खिली थी। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरे जहाँ पर भी सदाबहार के प्लांट लगे हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं ये। मैंने इनको सीधा किया था, सब ये पेड़ गिर गए थे उस दिन बारिश में। आप लोग देख सकते हैं विदाउट फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे प्लांट चल रहे हैं, सिर्फ जब पहली बार लगाना है तो मुझे मिट्टी का ध्यान रखना पड़ता है, मिट्टी में वही वर्मिंग कंपोस्ट या गोबर की खाद, हमें जो भी चीज़ अवेलेबल हो वही मिक्स कर लें, और उसके बाद मुझे कोई फर्टिलाइज़र इस प्लांट में नहीं देना पड़ता है फ्रेंड्स। इसलिए मुझे ये प्लांट बहुत पसंद आए, और गार्डन को ये कलरफुल भी बहुत रखता है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग इस प्लांट को ज़रूर लगाइए, प्लांटर में भी या ग्राउंड में भी कहीं पर आप लोग इस प्लांट को शामिल करिए, और ये मुझे फूलों से बिल्कुल निराश नहीं करेगा, फूल निकलते रहेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसमें हाइब्रिड मिनका में ये दूसरा शेड है। तो फ्रेंड्स आप इस प्लांट को ज़रूर शामिल करिए अपने गार्डन में, ये बहुत कलरफुल प्लांट है और कोई भी केयर नहीं मांगता है, बस एक बार लगा दिया तो कोई इसमें केयर नहीं करना पड़ती है, ना कोई फर्टिलाइज़र। और फ्रेंड्स बस जैसे मैंने ग्रो करके आपको दिखाया है वैसे ही ये ग्रो करा जाएगा, और मैं आपकी आपको इस प्लांट की अपडेट भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो, और मेरी थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के काम आ सके। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।